जयपुर के गांधी सर्किल पर असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोकने और राहुल गांधी के ऊपर हमलों के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हुआ विरोध प्रदर्शन। जयपुर के गांधी सर्किल पर कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी, जिला अध्यक्ष आर आर तिवारी, स्वर्णिम चतुर्वेदी, प्रदेश सचिव एडवोकेट सुरेंद्र लांबा सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर निशाना भी साधा। हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज 24। ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता मोहम्मद नफीस की। देखिए जिस तरीके से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से राहुल जी की जो यात्रा है उसमें व्यवधान डाले जा रहे हैं, यात्रा पर अटैक हो रहे हैं, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा, और यहाँ तक कि अब जो जानकारी मिली है कि सरकार उनकी यात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करा रही है और मुख्यमंत्री ट्वीट करके उसकी जानकारी दे रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि पूर्व राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उस भावना से ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। राहुल जी का स्पष्ट संदेश है, डरो मत, न्याय के लिए लड़ो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, और कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ता बिना डरे लगातार राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस तरह के अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों का विरोध अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। सर, आंदोलन में कई जगह हो रहे हैं, एक महाराष्ट्र में भी कल जो है एक क्रैशेज हो गए थे मीरा रोड में मंदिर के उद्घाटन के समय, उसके बाद तमिलनाडु में भी, तेलंगाना में भी कई जगह राहुल जी की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो है आमने सामने गुट हो गए हैं। अब CM साहब जो है, क्या राजनीतिक रंग देना किसी रिलीजियस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, आज सब चीज़ों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये गलत है। सरकार अपना काम करती है, पार्टियाँ अपना काम करती हैं, पार्टियाँ जो काम करती हैं उसमें उनको राजनीतिक रंग देना पड़ता है, कोई पार्टी हो, लेकिन सरकार के कामों को राजनीतिक रंग देना ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, न संवैधानिक है और न ये लोकतंत्र के जो मर्यादा और नैतिक मूल्य उनके अनुसार होता है। महाराष्ट्र सरकार का भी कोई बयान आया नहीं है, जिस तरह के क्लैशेस हुए हैं रात को, कल भी दो दिन लगातार हो गए उस चीज़ को, उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। वो कोई भी काम ऐसा करते हैं, कोई बोलेंगे नहीं, चुप रहने की उनकी आदत है, इश्यूज़ पे बोलते नहीं, नॉन इश्यूज़ को इशू बना के उस पर बोलने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के पूरे देश में एक अलग सा माहौल बनाया जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। राजस्थान में भी भरतपुर में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेके अशोक गहलोत ने भी चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को रिजर्वेशन के लिए, वो अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ, और आज फिर जो है 7वां 8वां दिन हो चुका है उस आंदोलन को, रेलवे ट्रैक के साइड पर बैठे हैं। हमारी वही मांग है जो अशोक गहलोत जी ने कही, उस पर ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को और इसके समाधान के तरह प्रयास करने चाहिए। BJP का तरह का कि अनहोनी या दुर्घटना ना हो जाए इसके लिए उनको अनुमति भी नहीं प्रदान की गई। नहीं, अनहोनी घटना बहुत बड़ी यात्रा थी, 3,500 किलोमीटर के राहुल जी पहले निकाल चुके हैं, उसमें कोई घटना नहीं। अनहोनी घटना कैसे होगी? अनहोनी घटना तो कांग्रेस अनहोनी घटना करती नहीं, जो अनहोनी घटना करवाते हैं उनके मन में जरूर भय हो सकता है, और भय भी नहीं है उनके मन में, वो ये बात कह के यात्रा को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहते हैं। क्यों, जो अभूतपूर्व समर्थन यात्रा को मिल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी और असम सरकार और दूसरे जो उनके विचारधारा के लोग हैं उनको खतरा महसूस हो रहा है। राजस्थान में भी बांसवाड़ा से भी यात्रा निकलेगी, आपको लगता है कि राजस्थान में भी ऐसा कुछ देखेंगे? जो परिस्थिति आएगी, अन्याय का हर जगह मुकाबला करेंगे। राजस्थान सरकार ने जिस तरह से 5,000 लोग जो हटाए गए हैं नौकरियों से, उसको लेकर आज विधानसभा में मुद्दा भी उठाया है, विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया है, क्या आपको लगता है कि उस योजना के नाम में राजीव गांधी का नाम था इसलिए ये ऐसा हुआ है, क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, वो सारे काम जो हमने शुरू किए उन सारे कामों का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से नाम बदल के थोड़ा बहुत इधर उधर करके। वो ये चाहते हैं कि उनका श्रेय जो काम उन्होंने नहीं किए हैं, जो उन्होंने योजनाएं नहीं चलाई हैं, उनका लाभ उनको कैसे मिल सके, वो बैकडोर एंट्री से खुद के लोगों को भरना चाहते हैं। हमने एक तरीके से लोगों को, हमने हमेशा जो भी प्रयास किया, हमारा लक्ष्य भी हमारा पवित्र है और हमारे साधन भी पवित्र है। भारतीय जनता पार्टी के साधनों के पवित्रता में लोगों को संदेह है और ऐसे काम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद ही लोगों के मन में शक पैदा करे। सर, आंदोलन से चीज़ें बदलती भी हैं, जैसे RS मेंस के एग्जाम थे, बच्चे बैठे सड़क पे, तारीख आगे बढ़ने की बात मान ली गई, क्या आपको लगता है कि अब मौन सत्याग्रह से फर्क पड़ेगा? मौन सत्याग्रह तो बहुत बड़ी ताकत है,
ये मौन सत्याग्रह था और इस सत्याग्रह था जिसने देश को आज़ाद कराया। देखिए आज देश भर में जो माहौल है वो लोकतंत्र विरोधी जो है माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है। इनकी जहाँ जहाँ सरकार है, केंद्र सरकार है, अपनी विफलताओं को दबाने के लिए लगातार विपक्ष पर हमलावर है और युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, छोटे उद्यमी, पूरे देशवासी, देश की आवो आवाम की जो आवाज़ है, उनकी तकलीफें हैं, उनको उठाते हुए उनको न्याय दिलाने के लिए श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ की। और लगातार हमने देखा जब से असम में आए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस यात्रा को रोकने के लिए तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न किए जा रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक बनकर के देखती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं और मंदिर दर्शन करने जाना चाहते हैं, उनको सरकार जाने नहीं देती। आज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे, छात्रों से संवाद था, वहाँ उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वहाँ जाने नहीं दिया गया। छात्र बाहर आ गए और अब सुनने में आ रहा है कि शायद वहाँ की सरकार ने FIR दर्ज कराने के जो उनके शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने निर्देश दिए हैं। जबकि ये बताइए कि लोकतंत्र में कभी ऐसा जो है स्थिति हमने देखी नहीं। ये सब कार्य जो लोकतंत्र विरोधी हो रहे हैं, लोकतंत्र की जो परंपराओं के विरुद्ध हो रहे हैं, इसको इन भारतीय जनता पार्टी के इन कृत्यों का विरोध करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, वो मौन सत्याग्रह करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। और आवश्यकता पड़ी तो इस आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आंदोलन चलाया जा करके विरोध को और तीव्र हम कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ी तो राहुल गांधी जी के समर्थन में हजारों लोग प्रदेश से, जहाँ उनकी यात्रा है, उस यात्रा में शामिल होने के लिए भी पहुँच जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को एक चेतावनी देते हैं कि ये लोकतंत्र विरोधी रवैया बंद करें और जनता की जो आवाज़ है उसको उठाने का जो कार्य और उनको न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, इसमें व्यवधान उत्पन्न ना करें। आंदोलन खाली जयपुर में नहीं हो रहा है, भरतपुर में भी एक आंदोलन छिड़ा हुआ है। उनका ये कहना है कि भाजपा सरकार ने 2019 में भी वादे किए थे उनको रिजर्वेशन के लिए, यहाँ पे कई जाट नेता है, कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह जी जो है अल्टीमेटम देने के बाद में अब उस महापड़ाव को आगे जाने की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या राजधानी में भी आंदोलन है, भरतपुर में भी आंदोलन है? देखिए आंदोलन पूरे देश में है, जो दुख और तकलीफ में होता है वही आंदोलन करता है, वही सरकार के विरुद्ध बात करता है। और आज जब भरतपुर में जो आंदोलन चल रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को उस पर निर्णय लेना है। ना तो निर्णय ले रहे हैं, न जो है राहत पहुँचा रहे। तो आप बताइए कि आज जब तकलीफ में बैठा हुआ इंसान वो सरकार के खिलाफ, अगर सरकार कोई निर्णय उसके हित में नहीं लेती है तो आंदोलन ही करेगा। तो वैसे ही आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहा है और आप देखेंगे जल्द ही अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया यही रहा तो पूरे देश भर में आंदोलन होगा। लामा जी, ये जो आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इस देश में दो तरीके की विचारधाराएं चल रही है, एक इस देश को तोड़ने वाली जिसके समर्थक है नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरी इस देश को जोड़ने वाली जिसके समर्थक राहुल गांधी जी हैं। और आज इस देश को तोड़ने का काम करने वाले लोग, जब इस देश को जोड़ने का काम करने के लिए लोग निकलते हैं तो वो उनको रोकने का प्रयास करते हैं, अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार के जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उनका जो रवैया है इस देश को तोड़ने का, उसके खिलाफ़ जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आज ये मौन सत्याग्रह रखा गया है और इस देश को बताने का काम हम लोग कर रहे हैं कि जब हमारा देश है वो 135 करोड़ का देश है, जब हम सब लोग मिलकर के भाई भाई काम करेंगे तो हमारे देश की प्रगति होगी। अगर जो लोग, जो ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती है जाति धर्म के नाम पे, इस प्रकार के लोग अगर हावी होंगे तो इस देश को नुकसान होगा। अभी पिछले दिनों देखा गया कि महेश जोशी के ऊपर ED का छापा पड़ा, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर एजेंसी को अधिकार है कि वो जांच करे, महेश जोशी जी की करे, नरेंद्र मोदी जी की करे, वसुंधरा जी की करे, सबकी करनी चाहिए। कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, किसी को अधिकार नहीं है कि वो भ्रष्टाचार फैलाए या अनैतिक कार्य करे। लेकिन जो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ स्पेशल एक दलगत राजनीति को मद्देनज़र रखते हुए एक पार्टी विशेष के नेताओं पर जिस प्रकार की कानूनी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, लेकिन जानबूझ के राजनीतिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक मैसेज अभी एक वायरल और हो रहा है, राहुल गांधी जी को मंदिर जाने से रोका गया। देखिए, राहुल गांधी जी या उनका परिवार या कांग्रेसी आम आदमी
जहाँ जिसकी आस्था है मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, वहाँ जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। ये बापोतिया नहीं है किसी के धार्मिक स्थल है, हम लोग आगे भी जाते रहेंगे। इस प्रकार के कुत्सित प्रयास ये लोग कर रहे हैं जिसमें ये सफल नहीं होंगे और हम उसकी निंदा करते हैं। आपका नाम? सुरेंद्र कुमावत लांबा, प्रदेश सचिव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी।